नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 फ्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। बिजली की तार से चिंगारी गिरने पर लगी आग, लगभग 150 बीघा जलकर हुआ खाक। जी हाँ, मामला उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती से। दिन प्रतिदिन आग अपने परचम लहराने में कामयाब हो रहे हैं। कहीं पर बिजली सिगरेट से तो कहीं बिजली की तार से चिंगारी गिरने पर आग लग जाती है। आखिर किसानों को जो नुकसान हुआ है उसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे में काफी किसानों का पूरा फसल जलकर नष्ट हो गया है। वो आखिर अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, कैसे उनका घर चलेगा? ऐसे ही आज एक घटना ने अंजाम दिया, जिसमें लाइट के तार से चिंगारी गिरने से लगभग 150 बीघा गेहूं की फसल जलकर नष्ट हो गई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती के थाना मल्लीपुर चौकी ग्रंट बाजार हरदत्त नगर ग्राम दतकुइया का है, जहां पर बिजली की तार से चिंगारी गिरने पर खेतों में लगभग 150 बीघा गेहूं जलकर नष्ट हो गया। ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को फोन किया, जिससे पहले पास में चौकी प्रभारी ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दमकल को तत्काल बुलाया, जिसके बाद आग बुझाने में ग्रामीणों ने की मदद की और इस तरह किसी प्रकार आग पर काबू पाया गया। जनपद श्रावस्ती से भुजव अहमद की रिपोर्ट। कैसे आग लगा राजी साहब? लेट से लगा है। तो सूचना आपको कल दिया गांव के आगे, आपने तार गिरते हुए देखा? चिंगारी गिरते देखा ना आपने? लुक्का देखा गिरते? आपने सूचना दिया बंकर वाले को? उसके बाद लेखपाल को सूचना दिया? लेखपाल क्या बताए, क्या आश्वासन आपको दिए लेखपाल आग लेने पर? लेखपाल के जगह पर किसी ने भेजा किसी को? लेखपाल तुम उनसे आए तो क्या आश्वासन आपको दिए? लिखा पढ़ी करके चले गए? मतलब कितना आपके खेत में आग लगा? 2 बीघा जला है तार से, भीषण तार से। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार वर्मा जी, क्या आपका नुकसान हुआ? मतलब ये भीषण आग जब गेहूं के खेत में आपके लगा तो कैसे लगा? आग काफी तेज हवा भी चल रही थी उधर से, इसके बावजूद काफी लोग बुझाए, इसके बावजूद क्योंकि हरान लाग जाता थी इसीलिए जो है पूरा जल गया और मेरा घर भी जल। किसी पर आपको शंका है कि किसी ने आग को लगाया है या तार से हुआ है? अच्छा, तार से संकट हुआ है। और आपने सूचना थाने को दिया? लेखपाल साहब आए थे सेम की कोई दूसरा आया था? मुंशी को भेजे थे। मुंशी ने क्या आश्वासन दिया आपको? ले गए कल आकर के। अच्छा, कल टैंकर कभी आया पानी का? टैंकर तो जल जाने के बाद जब बुझ गया, मतलब आग आप लोग ने जब काबू कर लिया जब ही आया टैंकर। ठीक, और क्या नुकसान हुआ आपका? तो 4 बीघा जला है। कैसे जला? तो किसी ने आग को लगाया? तो आपने सूचना दिया किसी अधिकारी को? थाने के कोई प्रशासन पुलिस आया? 3 घंटे के बाद पुलिस आई। और ये पानी का टैंकर कब आया? 3 घंटे बाद। आग बुझाने के काबू करने के बाद ये लोग आए हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? कृष्णा साहू। कितना नुकसान? कैसे आग लगी? तार से। आपने तार गिरते हुए देखा खेत में? नहीं देखा ना? फिर कैसे तार से कह रहे हैं आप? मतलब सब लोग बात कर रहे थे कि मतलब तार से गिरा है। अच्छा, लुक्का आपने देखा? नहीं देखा। अच्छा, जब मौके पर कोई अधिकारी आया जांच करने? कोई अधिकारी नहीं आया। दूसरे लोग तो बता रहे हैं कि लेखपाल का मुंशी आया, प्रशासन पुलिस आई, टैंकर आया, बाद में आई, आग बुझने के बाद आए। मौजा क्या लग रहा है? ग्राम श्रावस्ती। ये भीषण आग कैसे लगी है? भीषण आग सर उस तरफ से लगी है और हम लोगों का खेत जो है सब जल गया है। कितना जला है आपका? सभी लोगों का 4-5 लोगों का। मौके पर अधिकारी कोई जांच करने आया?
सर नेपाल मुंशी भेजे थे केवल। और टंकर कब आया, कितनी टाइम? टंकर बहुत देर के बाद आया। आग क्या, आग बुझने के बाद टंकर आया कि पहले आया? बाद में आया। बाद में आया है। करीबन आपका नुकसान कितना हुआ गेहूँ का? 27 बीघा का। लेखपाल जो मुंशी भेजे वो क्या आश्वासन आपको दिए? नेपाल बता रहे थे मुंशी आए कि अभी नेपाल आएंगे सुबह तक पेट्रोल लगाएंगे। मौके पर सूचना दिया तो अधिकारी कोई आया? पुलिस वाले आए कि नहीं आए? पुलिस वाले भी नहीं आए। मौके पर पुलिस वाले आए कि नहीं? हम रहे थे, बता रहे थे कि लोग आए थे। अच्छा, आए रहे हैं, ठीक है। कितना नुकसान हुआ आपका गेहूँ का? 27 बीघा। मौके पर प्रशासन पुलिस पहुंची थाने की 2 घंटे के बाद। मौके पर पानी के टंकर 2 घंटे के बाद। आपने लेखपाल को क्या सूचना दिया, क्या आश्वासन दिए? लिखने के बाद कुछ बताया क्या आश्वासन दिए कि मुआवजा दिलाएंगे कि नहीं? जांच करने के बाद मौके पर जांच करने बताए, क्या बोले जांच कब करेंगे आप? कब करें? कल करें। अच्छा, कल बात। क्या नाम है आपका? मोहतार, आपके एक खेत में कैसे आग लगा? बत्ती से लगा है। तो आपको सूचना किसने बताया कि तार से हुआ ऐसे? अच्छा, तो जब आपके खेत में आग लगा तो आपने थाने को सूचना दिया, तो प्रशासन मौके पर आई? मौके पर प्रशासन आई नहीं, मतलब पुलिस टेम पर आई, और आपने टंकर को सूचना दिया तो टंकर वाला कब आया? बहुत टाइम पर आया, मतलब आपने आग जब काबू कर लिया जब टंकर वाला यहाँ पहुँचा है, जब आग बुझ गई जब। अच्छा, कितना आपका नुकसान हुआ?